ये जहाँ पे उतरते हैं आपके यहाँ पे, तो यहाँ का नाम क्या है भैया? यहाँ का नाम है चौठी मोड़। चौठी क्यों बोलते हैं इधर? यहाँ से कल मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, वो सामने पार बिल्कुल, वो जो पहाड़ी बिल्कुल मेरी उंगली की सीध पे जो है ना, वहाँ पे सनसेट करता है। यहाँ पे बताऊँ आपको, आमले का कौन सा पेड़ दिखाया था, ये ऊपर आमले लगे हुए हैं इस पे, है ना भाई? इस पे आमले लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आम जिस पपीते के पेड़ की मैं बात कर रहा था कि वो मेरे से स्किप हो गया, वो ये रहा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हो रही है एक नए व्लॉग की शुरुआत, और ये शुरुआत हो रही है व्लॉग की सुखदेव भैया के घर से ही। कल का दिन बीत चुका है, सत्संग कंप्लीट हो चुका है, और आज अब मम्मी पापा मासी वगैरह जो है वो घर के लिए जा रहे हैं, और मेरा मूड जो है वो बन चुका है यहाँ पे एक दो दिन बैठने का। सोचा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए इस जगह को और आपको भी दिखाया जाए। तो अभी मॉर्निंग के 7:30 ही बजे हुए हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत की जाए सुबह सुबह मॉर्निंग में ही, देन आगे जो जो दिखे वो डायरेक्ट शूट कर लिया जाए, कोई इंट्रोडक्शन कोई कुछ नहीं। अच्छा, हमको सिखा रहा है तो आपको बहुत मजा आएगा आज के व्लॉग में, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, आपको देखने में मजा आएगा और मुझे दिखाने में मजा आएगा। तो बने रहे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो बने रहे वीडियो में। तो भाई लोग, मम्मी पापा अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सुखदेव भैया बेचारे सुबह सुबह जाकर ब्रेकफास्ट तैयार किया उन्होंने, तो अब वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 बजे यहाँ से गाड़ी जाती है उधमपुर के लिए, तो वो निकल जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे मस्ती, काम भी करेंगे थोड़ा पूरा। क्या बात करता है यार? तो अभी मुझे बोला कि तो फुलके लेके आ जाओ, मुझे फुलके नहीं मिल रहे, मैं ढूंढता हूँ, मिलते हैं। भाई लोग, इधर का जो मौसम है ना यार, सुबह सुबह का क्या ही बताऊं आपको, इतना मस्त व्यू है, दिखाता हूँ आपको मैं। तो भाई साहब, ये है इनका किचन, इन्होंने अलग से बनाया हुआ है बाहर वाली साइड, और यहाँ से हो रहा है सनराइज, दिख रहा है आपको आगे सामने से सनराइज हो रहा है। ये इन्होंने यहाँ पे आगे एक वॉशरूम बनाया हुआ है, और ये है भैया का घर, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ भाई, बहुत बड़ा घर है, कैमरे में आ ही नहीं रहा है, ये देख लो भाई साहब, ये है भैया का घर। इधर ऊपर वाली साइड इनके खेत वगैरह हैं, वहां पे भी लेके जाएंगे आपको, अच्छे से दिखाएंगे। सो ये है कुछ पार्क का व्यू, धूप जो है आ चुकी है अब। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं खुशी ब्रो को नीचे रोड तक छोड़ने, तो वहां से जाएगा खुशी ब्रो गाड़ी में। हेलो खुशी ब्रो, हेलो खुशी ब्रो, चलो 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 चलो। अभी हम जाएंगे इनको छोड़ने रोड में, गाड़ी में चढ़ेंगे, देन उसके बाद होगी हमारे असली व्लॉग की शुरुआत। अच्छा अभी तो इनको छोड़ने जाना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे कहीं घूमोगे तो क्या फायदा, कुछ भी कुछ भी। सो फाइनली हियर वी आर ऑन द रोड, तो अभी गाड़ी आएगी 9 बजे, इन लोगों को गाड़ी में बिठा के फिर मैं और सुखदेव भैया वापस निकल जाएंगे, वो पापा के पास सुखदेव भैया है। तो भाई लोग, गाड़ी तो चली गई, मम्मी पापा वगैरह सब चले गए, अब मैं और पाजी बच गए। अच्छा भैया, ये जहाँ पे उतरते हैं आपके यहाँ पे, तो यहाँ का नाम क्या है भैया? यहाँ का नाम है चौठी मोड़। चौठी क्यों बोलते हैं इधर? इधर बांस थी, ये देखना। अच्छा, मोड़ पे बांस है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई लोग, ये है बांस, बैम्बू। ओके, तो यहाँ डोगरी में इसको चौठी बोलते हैं, हाँ, तो इसकी वजह से यहाँ का नाम पड़ा है चौठी मोड़। That's why, जब भी हम यहाँ पे आते हैं, हम बोलते हैं हमने उतना है चौठी मोड़। ओके, तो यहाँ पे एक ही नहीं है, ये बैम्बू, आप बैम्बू को ट्री नहीं बोल सकते हम, बिकॉज बैम्बू इज अ ग्रास, बैम्बू ग्रास है, घास है बैम्बू, ठीक है। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की। तो अभी हम जाएंगे ऊपर, तो पाजा उसके बाद क्या काम है? बस उसके बाद हमने थोड़ा सफाई करनी है, बैसे ने लानी है, बस उसके बाद मैं चला जाऊंगा भांजे को देखने, तो भाई लोग मेरे घर में बैठेंगे। तो भैया जाएंगे अपने भांजे को देखने, इनका भांजा है बीमार, क्या हुआ क्या उसको? बुखार आ रहे हैं, उसको बुखार आ रहे हैं। तो कौन गया, कौन चला गया अभी? अभी भाई सिद्धू मूसे वाले का फैन था इधर आया हुआ हमारे घर, वो चला गया, चला गया। तो अभी हम जाएंगे ऊपर, कितना टाइम लगेगा? 5-1 मिनट लग जाएंगे ऊपर से ना जनाब, 1 से 1.5 मिनट हो सकता है। वाह क्या मुस्कुराहट है। भाई लोग, सिद्धू मूसे वाले का फैन तो चला गया, तो हैप्पी भैया भी चले गए। तो भाई अब आपको नहीं पता हैप्पी भैया कौन है, बट हमें पता है कौन है, ये आपको बताना नहीं चाहिए, कुछ बातें राज की होती है ना भैया जी।
नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो अब इतना एक्सप्लेन क्या करूंगा, बस फ्रेंडशिप हो गई यहाँ पे, इधर ही भैया के रिलेटिव्स थे तो दैट्स व्हाई। तो भाई एक और बैम्बू ट्री है यहाँ पे मेरे साथ में, ये देख सकते हो आप, ट्री नहीं है ग्रास है, तो अब निकल जाता मुंह से। तो भाई अब आने वाला है असली मजा, तो व्लॉग को पूरा देखना, मस्त मस्त चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, तो अब अभी तो है ठंड क्योंकि धूप नहीं निकली अभी, सुबह सुबह मॉर्निंग में तो ठंड होती है क्योंकि अब दिसंबर जो है वो मिड में आ गया है, आज दिसंबर आई थिंक 16 हो गई, तो भाई ठंड तो है। तो अब आपको मिलता हूँ सीधा ऊपर जाके और वहां से दिखाता हूँ आपको एरिया बाकी। ओके, खजूर का पेड़ दिखा दिया, बैम्बू दिखा दिया, अभी आम का पेड़ है, अमरूद है, जिसने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो दिखा देंगे आज, और भी बहुत सारे पेड़ है, आमले का पेड़ है, और भी बहुत सारे पेड़ है, तो आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे आज पूरा एरिया। तो व्लॉग होने वाला है इंटरेस्टिंग, व्लॉग में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब कुछ कर देना बस। ओके, ये क्या पंगे कर रहे हो आप, ये क्या पंगा किया आपने, ये क्या था, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बधाई। तो भाई ये दांतों का देसी इलाज, ब्रश लेके आया था तो बैग में चला गया मम्मी के साथ, अब नया जब तक नहीं लेते हैं, अभी शॉप पे थे पर ध्यान नहीं रहा, भैया ने कहा दांतों ने, तो दांतों नहीं कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी तो करनी है। ओके, तो ये इस पेड़ का नाम भैया ने बताया बधाई, पता नहीं कौन सी बधाई है कि बधाई है, तो अब दातुन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा ऊपर जाके, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट हमने नहीं करी है, ब्रेकफास्ट करेंगे, उनको करवा दी, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद आपको मिलते हैं घूमते फिरते, तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। तो भाई लोग पिछले व्लॉग में हम गए थे यहाँ से शॉर्टकट, पीछे से उधर पीछे से रास्ता था, वो पीछे से दिख रहा आपको, आज हम सोचा बाई रोड जाते हैं, ठीक है, दातुन करते करते बाई रोड जाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई बेने का रोड वाला रास्ता बहुत दूर है, तो हमने फिर से शॉर्टकट ले लिया, अभी हम एक पत्थर के ऊपर से जा रहे हैं, ये देखो ये पत्थर है, तो हम पत्थर के ऊपर से जा रहे हैं शॉर्टकट लेके, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है, आगे रोड के चक्कर में लग गए तो 10-15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, तो ऊपर अभी काम बहुत है क्योंकि कल सत्संग था, तो अभी बर्तन वगैरह साफ किए हुए हैं, अब उनको रखेंगे, कपड़े वगैरह बहुत सारे हैं, मेले हो गए हैं, उनको धोएंगे, और भी बहुत सारे काम है, और आपको दिखाएंगे भी क्या क्या हमने किया क्या नहीं किया, एंजॉय करें आप, हम भी एंजॉय करेंगे। भाई लोग इस बेम्बू के ट्री में से आपको कुछ आवाजें आ रही होंगी, यहाँ पे हैं बहुत सारे बर्ड्स अंदर, और देखो दिखाता हूँ मैं आपको, अगर दिखेंगे तो देखो निकला भाई, बहुत सारे बर्ड्स ने अपने जहाँ पे घोंसले बनाए हुए हैं। भाई लोग फाइनली 2 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं घर के पास, भेने लगाई हैं हेडलाइंस यूट्यूब पे, और अभी हम घर पहुंच चुके हैं, पीछे देख सकते हो आप, सॉरी पीछे देख सकते हो आप, हम अपने महल के पास पहुंच चुके हैं, और अब फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर करते हैं आगे की कार्रवाई। ये भाई साहब जाएंगे अभी नहाने, दफा हो जाती गरीब आदमी इधर से, गजब बेइज्जती है भाई, इनको हमने दुबई भेजना अब। तो गाइस फाइनली बाकी काम करने के बाद डिसाइड किया हमने कि अभी हम ले के आते हैं पानी का एक फेरा, तो सुखदेव भाई बोलते हैं तो अपनी बंदूक पकड़, स्टैंड में लगाया मैंने फोन, बोलते अपनी बंदूक पकड़ वीडियो शूट कर, तो बर्तन उठाए उन्होंने, वो आएंगे पीछे पीछे, मैं निकलता हूँ आगे आगे। परसों जो पिछले व्लॉग में जो मैंने शूट की हुई थी वीडियो, वो हम शाम के टाइम गए हुए थे, तो अभी मॉर्निंग ही अभी 10 बज चुके हैं, तो भाई अभी तो मस्त नजारा है, तो भाई मजा बहुत आ रहा है यार, इंजॉयमेंट फुल चल रहा है। अभी हमने पहले वो पत्थर उठाए वहां पे, देन उसके बाद उस राख को फेंका, देन उसके बाद हमने सुखदेव भैया के ताऊजी के घर से बर्तन लाए हुए थे कुछ बड़े बड़े पतीले, वो हमने वापस कर दिए उनको, एक ड्रम था वो भी वापस कर दिया, उसके बाद डिसाइड किया कि पहले एक फेरा पानी के लेके आते हैं, फिर ये अपना काम करेंगे और मैं अपना घूमने फिरने का काम कर दूंगा, व्लॉग शूटिंग का काम कर दूंगा। तो अभी ये लोग आ रहे हैं पीछे से, दिखाता हूँ मैं आपको, बाजा किधर जा रहे हो आप, हम जा रहे हैं सर पानी लाने जा रहे हैं। ओके,
वाव, अभी का तो व्यू भी अलग है। पहले नंबर पर सब्जी का ऊपर से देखा, कौन सी सब्जी? ये जो पत्थर जैसे बड़े बड़े, ओए होए होए, ये क्या है? ये ही तो है भाई खाने वाली। भाई बताओ ये क्या है, सब्जी का नाम क्या है? इसका नाम भाई, ये देखो, ये भैया बोल रहे हैं सब्जी है कोई। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं भाई साहब, ये कचालू बोलते हैं इसको, अरबी। अरबी, ये कचालू? और रे भाई साहब, ये कचालू, कचालू की सब्जी। इसका भी देखो प्लांट कैसा होता है, हो सका तो क्लोज जाके भी दिखाऊंगा आपको। आज नहीं कल, कल देख रहे, आज नहीं कल को है दूसरा, इसको भी बोलते हैं। हाँ, मैंने आपको एक पेड़ दिखाया था, अभी फिर से दिखाता हूँ मैं। कोई भद्रवाही में अमर भर बोला जाता है, हम किम बोलते हैं? नहीं, हम ही किमी बोलते हैं इसको। ये नीचे ये पेड़, ये बताओ ये पेड़ किस चीज का है? मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, आप मत बताओ, ये खुद बताएंगे जो लोग देख रहे हैं कमेंट चे। हाँ, और सामने बैंबू देख सकते हो आप कितने सारे हैं गाइस। खजूर का पेड़ हमने लास्ट टाइम भी दिखाया था आपको, ये देखो, ये देख सकते हो आप, खजूर का पेड़ है ये भाई। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है, आमले का पेड़ भी है यहाँ पे, अब वो कहाँ पे है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये देखो बैंबू, कितना बड़ा झुंड है इसका, बम्बू, बैंबू, बम्बू है ये, चुहटी है ये, ये है चुहटी, बम्बू, ये है बम्बू, बिल्कुल। ये देखो भाई हाइट कितनी है इनकी, पूरा 360 कर दिया मैंने कैमरा, बट अभी तक ऊपर नहीं। खजूर के पेड़ यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये सामने एक और खजूर का पेड़ है, ये सामने। तो हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे जहां से हमने पानी लेना है। वंस अगेन पानी भरेंगे, देन निकलेंगे, फिर भैया अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूंगा। क्या? दिस इज बाई द वाटर स्प्रिंग। वाह वाह वाह, भद्रवाही में भी बोल दिया, अंग्रेजी में भी बोल दिया, बाई वाटर स्प्रिंग। निकी की बता बोली है बा, ये देख लो भाई, वो देख सकते हो आप नीचे। चल तो अब मेरा काम है इसको भरने का, चप्पल बाहर खोलनी है। रेस्पेक्ट। ये है हमारे पाजी। पकड़ दे कैमरा, पकड़ दे मेरी वीडियो बनने के लिए। देखो कैमरा तो मैं पकड़ रखा है, मगर वीडियो बनाने वाला बंदा नहीं अभी पहुंचा है। वीडियो बनाने वाला नहीं पहुंचा है साहब। देखो पानी भर रहे हैं, तो आगे हम खुद बोलेंगे आपको कि इधर क्या हो रहा है। ये जनाब लहसुन, कड़म, गोभी, गोभी है, बंद गोभी है सर, तोरियां हैं, गुटी के फूल हैं, बैंगन भी है साथ में। तो ये हमारे भाई साहब पापियों की कमी भी नहीं है, उसके भी थोड़े फैन हैं। किसके? नाड़ जाना वाले के, नाड़ जाना वाले सिद्धू मूसे वाले। तो भाई लोग, सुखदेव भैया ने भी थोड़ी व्लॉगिंग की, तो अब मैं पानी भर रहा था, ये बर्तन मैंने भर दिए अंदर जाके, तो नजारा बहुत मस्त है यहाँ पे। सुखाड़ में प्याज लगाया हुआ है, उसके बाद और क्या है, कड़म है, लहसुन है, गोभी है, और भी बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। और पीछे मैंने आपको दिखाई दी वो अरबी कचालू, तो वो मैं आपको क्लोज से दिखाने की कोशिश करूंगा बाद में। तो अब निकलते हैं पानी लेके, शूट करते हैं अब पानी पहुंचाने के बाद ही, उसके बाद मैं जाता हूँ परोली साइड, दिखाता हूँ आपको। आमले का कौन सा पेड़ दिखाया था? ये ऊपर आमले लगे हुए हैं इस पे, है ना भाई? इस पे आमले लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये आम। सो गाइस, अभी आया हूँ मैं आपको आमले का पेड़ दिखाने, बिल्कुल क्लोज से। भाई साहब कितने सारे आमले लगे हुए हैं इस पे, ये देखिए आप, ये है आमले का पेड़, ये कुछ इस तरह का पेड़ होता है आमले का। और आप क्वांटिटी देखो, कितने सारे आमले लगे हुए हैं इस पे। ओहो भाई क्या मस्त नजारा है। अब कैमरे में आपको एक व्यू में पूरा नहीं दिख रहा, क्योंकि पेड़ भी बड़ा है और मैं क्लोज भी हूँ इसके काफी, लेकिन भाई जो व्यू है ना वो देखो, नीचे भैया सुखदेव भैया और अक्षय भैया एक जगह पे दोनों साथ में, और मैं आया था आपको पेड़ दिखाने। और ये खजूर का पेड़, ये भी मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ, ये खजूर का पेड़ है,
ये भी मस्त है, डिजाइन इसका जो है बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत मस्त लगता है। और ये आमले का पेड़ मैंने आपको दिखा दिया, बहुत सारे आमले लगे हुए हैं इस पे। और अब चलते हैं, पानी जो है उसको लेके जाते हैं घर। भाई लोग व्लॉग थोड़ा अगर बड़ा बनेगा तो भाई मजेदार भी उतना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए और उतना टाइम भी नहीं है यहाँ पे रुकने का, क्योंकि अपना भी स्टडी का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू करना है आगे। तो दैट्स वाई सोच रहे हैं कि एक वीडियो में जितना कवर हो सके उतना करें, जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। तो वीडियो को स्किप मत करना, आपको बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में, पूरा व्लॉग देखना, वीडियो को शेयर भी करना। तो चलते हैं अब आगे, नीचे से पानी जो है वो घर में पहुंचाते हैं, उसके बाद दूसरी साइड से आके मैं दूसरे एरिया दिखाता हूँ। भाई एक नंबर व्यू है, एक नंबर। मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ, तभी मैं यहाँ पे रुकने का मैंने प्लान बनाया कि व्लॉग शूट कर लिया जाए ताकि आपको सारी चीजें दिखा दूं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही ज्यादा मस्त जगह है, ना कोई शोर है ना कोई कुछ, कम्प्लीटली साइलेंस, अपने मजे में सारे, एकदम भाई बता नहीं सकता। सो गाइज, पानी लाने के बाद मैंने फोन को चार्ज किया क्योंकि बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई थी। तो वो नीचे छत आपको नजर आ रहा होगा, मैं अभी थोड़ा चलते चलते यहाँ पे आया, फोन सेट किया मैंने अभी अपने स्टैंड के ऊपर, सोचा व्लॉग को कंटिन्यू कर लिया जाए। तो अब मैं यहाँ का एरिया आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर से जो आपको व्यू नजर आएगा ना भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अब खुद से देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको अच्छा लगेगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये भाई, यहाँ से जो व्यू है ना, वाह। यहाँ से कल मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, वो सामने पार बिल्कुल, वो जो पहाड़ी बिल्कुल मेरी उंगली की सीध पे जो है ना, वहां पे सनसेट करता है यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे। और ये देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ पार वाली साइड है घर। यहाँ पे जो घर है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं। ये कुछ यहाँ का व्यू है, इस तरह का व्यू। यहाँ नीचे से मैं आया अभी, ये इनका खेत है यहाँ पे, इन्होंने अभी घास लगाया हुआ यहाँ पे, अभी किस चीज का घास है वो मुझे नहीं पता है। सो ये कुछ इस तरह का व्यू है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर पहाड़ी, ये भाई साहब एंजॉय करो व्यू को। भाई लोग, मेरा ना ये व्यू देख के यार इतना जो है दिल खुश हो गया, कसम से इतना मजा आ रहा है ना, क्योंकि डोडा में इस तरह का व्यू देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे तो चारों तरफ पहाड़ है, थोड़ा सा जस्ट एक लिमिटेड एरिया दिखता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे पीछे देखोगे ना, जहां तक देखोगे वहां तक आपको प्लान नजर आएगा और व्यू जो है पूरा ओपन नजर आएगा आपको। दैट्स वाई मुझे मतलब बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे व्लॉगिंग करने में। तो अभी मैं नीचे से आया, मैंने आपको ये व्यू दिखाया, अभी मैं आपको इनका ये खेत दिखा रहा हूँ। ये इस खेत में हूं मैं अभी, ऊपर पीछे देख सकते हो आप। तो अभी इनके सुखाड़ में बहुत सारी सब्जियां हैं, शुगर कैन है यहाँ पे, गन्ना जिसको बोलते हैं, आमले का पेड़ मैंने आपको पहले दिखा दिया, उसके बाद खजूर का पेड़ भी दिखा दिया मैंने आपको, और वो बेर का पेड़ मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। देन उसके बाद अभी और बहुत सारे पेड़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और भाई पीछे का व्यू देखो, खेत कितना मस्त लग रहा है, बिल्कुल प्लान। और इस साइड से मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए धूप मेरे आंखों पे लग रही है, दिख रहा होगा पीछे, नहीं दिख रहा होगा भाई साहब, एक नंबर भाई, एक नंबर। मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस व्लॉग को, शूट करने में जितना मजा आ रहा है ना भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ कि जब आप देखोगे ना आप भी इतना एंजॉय करोगे। मैं यहाँ पे मतलब प्रेजेंट हूं ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, होप करूंगा कि आपको मजा आए, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करने की कोशिश करूंगा। गाइज ये वो रोड है जिसपे हम सुबह में और सुखदेव भैया जहां से जिस रोड से आ रहे थे, ये वो वाला रोड है जो ऊपर के लिए जाता है। बाकी यहाँ नीचे से डाइवर्ज होता है मेरे राइट साइड के लिए, यहाँ के लिए जो है इनके घर के लिए वो लिंक रोड आती है, और वो पार से भी एक रोड है, तो ये काफी दूर जाती है रोड, ऊपर काफी ज्यादा एरिया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो उतने घर नहीं दिख रहे हैं आपको, एक 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 घर है यहाँ पे, लेकिन वहां पीछे बहुत ज्यादा घर है, पूरा मतलब कि गांव है वहां पे बहुत सारे। तो ये नीचे वाला खेत भी इनका ही है, सुखदेव भैया का ये खेत। ये लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो ये रोड की कंस्ट्रक्शन अभी हो ही रही थी यहाँ पे, वो बिल्कुल वहां पे जस्ट मतलब जेसीबी काम कर रही थी लास्ट टाइम जब आया था। ये जो आपके पार ये कटा हुआ नजर आ रहा है, जो ये पहाड़ी ऐसी है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, काफी ऊंची थी, ये काट के काफी ज्यादा इन्होंने ये प्लान करा हुआ है। तो यहाँ आगे से ये कुछ इस तरह का व्यू है,
वो सामने पार आपको जो छोटा सा मंदिर नजर आ रहा है ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहां हम पानी लाने जाते हैं। ये जो छोटा सा मंदिर है ये सामने, यहां हम जाते हैं पानी लाने। इधर से हमने पानी लाया था सुबह, और ये नीचे ये जो आपको घर नजर आ रहा है ये आई थिंक सुखदेव भैया के ताऊ जी का घर है ये वाला। और ये पार्क का कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत मस्त जगह है ये। जब भी आते हैं हम यहाँ पे तो फिर अच्छे से इंजॉय करके ही जाते हैं। और ये वाला पेड़, ये जो मेरे सामने है ये भी आंवले का पेड़ है। ये सामने ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें भी थोड़े थोड़े आंवले हैं, शायद इन्होंने निकाले होंगे। और ये मैं अभी खेत में हूँ यहाँ पे, भाई बहुत मजा आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा मजा आया। अगर मजा नहीं आया होगा तो नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे हम। और ये देखिए मैं खेत से होते हुए जा रहा हूँ नीचे की तरफ, अभी दिखाऊंगा आपको इनका सुखाड़ भी कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या सब्जी लगी हुई है। और ये सामने खजूर के पेड़ देखो कितने, 1, 2, 3, 4 पेड़ है। और बीच में ये द्रेंक का पेड़ है, ये देखिए भाई खजूर के पेड़ भी बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। वहां पीछे एक पपीते का पेड़ भी था, पपाया का ट्री, वो मैं स्किप कर गया, वो यहां से जाते जाते आपको दिखाऊंगा मैं। भाई लोग वहां से जहां भैया के घर से ऊपर के लिए चढ़ते हैं ना, वहां पे एक पपीते का पेड़ है, उस पे पपीते लगे हुए हैं भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है वो, मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं जाऊंगा इनके सुखाड़ में, दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या है वहां पे लगा हुआ सारा कुछ। भाई एक नंबर यार, एक नंबर, बहुत मजा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको, इतना बता बता के आप भी बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो भाई लोग ये है नीचे इनका सुखाड़, वहां उस सामने से उस साइड से मैं घूम के आया, इधर ऊपर से ऊपर खेत के उस साइड से घूमते 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 यहां से, और यहां इन खजूर के पेड़ों से इस रास्ते से मैं यहां पे आया। और मैं आपको दिखाता हूं कि इनके यहां पे क्या क्या है। ये है वो कचालू, मैं दिखाता हूं आपको जो मैंने पहले आपको बताया था ना, और ये देखिए ये है पपीते का पेड़। अरे भाई साहब ये है पपीते, एक पेड़ भी उधर पीछे भी है ना, ये देखो इधर से शेड पड़ रही है नीचे से, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो भाई साहब, ये देखो पपीते, शायद ऊपर से ज्यादा क्लियर आ रहा था। ये देखो, अरे भाई साहब ये भी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे ना फिर मस्त होते हैं। लास्ट टाइम मैंने लिए थे यहां से पपीते खाने के लिए घर पे। ये है पपीते का पेड़, ये वाला पपीते का पेड़ है, बहुत सारे लगे हुए हैं इस पे। और कचालू, ये है कचालू, ये वाले पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हैं इसके। ये देखो ये है कचालू, अरबी भी बोलते हैं इसको। और ये शायद इन्होंने आलू लगाए हुए यहाँ पे, ये आलू है यहाँ पे उधर आगे तक, काफी दूर तक है। अब ये बेल की चीज की यहाँ पे जो लटक रही है ऊपर, ये मुझे नहीं पता है। ये है शुगर कैन, ये है गन्ना, ये देख सकते हो आप, ये है गन्ना, शुगर कैन है ये। देन ये बैंगन, ये बैंगन का प्लांट है, ओके। और उसके बाद ये यहाँ पे मूलियाँ लगाई हुई हैं, कल मुझे भेजा गया था मूली लाने, तो भाई इसके पत्थर टूट गया था, ये वाली मूली, ये इसको मैंने निकाल ही नहीं पाया, बहुत जोर लगाया मैंने लेकिन ये नहीं निकला, सिर्फ हाथ फिसल रहा था। तो ये है लहसुन यहाँ पे, ये लहसुन है, गार्लिक, ये बीच में एक मक्की का बूटा भी लगा हुआ है। और ये है धनिया, ये है धनिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये भी लहसुन है बीच में, इसके लहसुन के बीच में धनिया लगा हुआ है। और उसके बाद ये सामने ये भी मूलियां लगी हुई हैं यहाँ पे, मूली, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये मूली है। और वो देखो सुखदेव भैया नीचे, ये भैंस, ये इसका बच्चा, ये दो बेल, वो बकरियां, ये इनका पुराना वाला घर था यहाँ पे, और ये इनके बड़े भैया ने घर बनाया बड़ा नया वाला, और वो वाला सुखदेव भैया का घर है। और अब और आपको दिखाता हूँ, ये है मटर, ये है मटर देखो, अब इस पे फूल आ गए हैं, अब इस पे लगेंगे मटर, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये।
पीस जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, और उसके बाद ये आई थिंक सरसों लगाया हुआ था यहाँ पे, तो ये अब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं सरसों के, जो सब्जी है इसके पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, अब इन पे बीज आना शुरू हो जाएगा। ये मस्टर्ड, इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसके अंदर वो दाने बनने शुरू हो जाते हैं, जब वो पक जाते हैं देन उनको पीस के फिर उनसे ऑयल निकाला जाता है। और यहाँ ऊपर भी सरसों लगाया हुआ है ये खेत में, वहां पे वो घास इन्होंने रखा हुआ है डंगरों के लिए अपने वो सुखाने के लिए। और ये भी मटर है, ये जितने सारे यहाँ पे इन्होंने कड़म लगाया हुआ है, अभी ये लग ही रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा, ये आप देख सकते हो, एक नंबर एक नंबर एक नंबर भाई, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने गोबर रखा हुआ है, ये सारा सरसों और बीच में मटर लगाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने। और उसके बाद आगे ये है इन्होंने मिर्ची, मिर्चियां लगाई हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ की मिर्चियां इतनी तीखी होती है ना भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इनका साइज देखो आप कितनी कितनी सी है, लेकिन ये इतनी तीखी होती है, इतनी तीखी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये बैंगन का पौधा है और ये है मिर्ची यहाँ पे, इस वाले खेत में सिर्फ मिर्चियां लगाई हुई हैं, ये बैंगन भी है बीच बीच में, यहां पर भी बैंगन है। जिस पपीते के पेड़ की मैं बात कर रहा था कि वो मेरे से स्किप हो गया, वो ये रहा, छोटा सा पेड़ है लेकिन भाई साहब इस पे फल देखो कितने, अरे भाई साहब एक नंबर, क्या मस्त लग रहे हैं भाई। काउंटिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे नए लग रहे हैं, देखो आप ये फूल आपको नजर आ रहा होगा ऊपर एक, वो देखो और भी लग रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो जब ये पकेंगे तो हम इनको एंजॉय करेंगे, भैया को बोलेंगे कि लेके आओ, इनको हम एंजॉय करेंगे। फिलहाल अभी तक मुझे इतना कुछ ही नजर आया आपको दिखाने के लिए, अभी और कुछ होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। सो गाइज, अभी तक तो मुझे इतना कुछ ही आपको दिखाने के लिए मिला, क्योंकि मैं ऊपर से घूमते हुए आया, सुखदेव भैया बिजी थे, तो मैंने सोचा खुद से मैं जितना मुझे पता है यहाँ का, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, तो जितना मुझे लगा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ मैंने खुद से आपको दिखा दिया। अब कुछ रह गया होगा तो मैं सुखदेव भैया को पूछूंगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, और इंजॉय करोगे आप भी, मैं तो भाई बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो अभी सुनने को मिला है कुछ प्लान बन रहा हमारा ब्यास जाने का, अभी रात को 9 बजे जम्मू से ट्रेन है, 9:30 बजे, तो जस्ट सुखदेव भैया ने कहा कि चलते हैं, परसों संडे है, बाबा जी का सत्संग भी है वहां पे, तो आज जाएंगे, कल का सत्संग सुन के परसों सत्संग सुनने के बाद वापस। भाई साहब आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं शायद से, अभी देखते हैं अगर कुछ हुआ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए दिखाएंगे, नहीं तो यहाँ इसको यहीं पे एंड करेंगे और फिर निकलेंगे ब्यास के लिए, और वो व्लॉग हम अलग से शूट करेंगे। तो भाई इंजॉय करना, और प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, और भाई को सपोर्ट करना। लव यू ऑल, ठीक है।